नमस्कार मंडळी, ट्रेक अँड टूर मध्ये आपले स्वागत आहे। सायकाडा ॲडव्हेंचरची टीम सध्या संदकपूर फालूदच्या ट्रेकवर आहे। आपण ह्या अगोदरचा व्हिडिओ मध्ये धोत्रे फॉरेस्ट ते जाऊबरी पर्यंतचा प्रवास बघितलेला आहे। हा व्हिडिओ आहे जाऊबरी ते संदकपूर पर्यंतचा। आम्ही काल सायंकाळी जाऊबरी ह्या नेपाळमधील छोट्याशा गावात पोहोचलो आहोत। थोड्या गप्पा टप्पा मारून जेवणाची पंगत मांडली आणि जेवण झाल्यावर लगेचच सर्वजण झोपी गेलो। आमची सकाळ झाली ती गरमागरम बेड टीने। लगेचच सर्वजण तयार झाले आणि आम्ही ब्रेकफास्टसाठी एकत्र जमलो। ब्रेकफास्ट झाल्यावर प्रत्येकाला वाटेत ट्रेकमध्ये खाण्यासाठी थोडेसे स्नॅक आयटम देण्यात आले। ज्यांचा ब्रेकफास्ट झाला आहे ते आपल्या आपल्या ट्रेकिंगच्या बॅग घेऊन खाली येत होते। सगळेजण आम्ही एकत्र झाल्यावर ट्रेकला सुरुवात केली। आज का प्लॅनिंग तो हमारा है, अभी जोबाड़ी से स्टार्ट करेंगे, गैरीबास जाएंगे, उधर परमिशन लेंगे, परमिशन लेने के बाद हम पहुंचेंगे काला पोखरी। काला पोखरी में हम सब एक साथ लॉन्च करेंगे। इधर से काला पोखरी आपको लगभग लगेगा, मतलब 9 किलोमीटर का रास्ता है और काला पोखरी से संदकपुर 6 किलोमीटर का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हमने जाऊबरी से स्टार्ट किया है काली पोखरी के लिए। अभी हम जाएंगे गरीबास, वहाँ पे हमें एंट्री करना पड़ेगा। उसके बाद में हम काली पोखरी जाएंगे। काली पोखरी में हमारा लंच है और लंच के बाद में थोड़ा रेस्ट करके हम संदकपुर के लिए निकलेंगे। अभी इधर से नेपाल का रोड, इधर से नेपाल का रोड गैरीबास पोस के इंडिया रोड। अच्छा, उसके बाद कैयाकट्टा और नेपाल बॉर्डर, और नेपाल फिर से नेपाल बॉर्डर में अंदर नेपाल बॉर्डर। उसके बाद नमस्कार दोस्तों, अब हम गरीबास चेक पॉइंट पे पहुंच गए हैं। तो अभी हम नेपाल में है, तो ये नेपाल का और इंडिया का बॉर्डर है। पीछे ये बॉर्डर है, इंडिया का फ्लैग दिख रहा है ए साइड में, वो इंडिया है, और ए साइड में है जो वो नेपाल है। पास में जाके और क्लोज अप वीडियो लेंगे। तो अभी ये बॉर्डर हम पास करके फिर हम इंडिया में जाएंगे। और नेपाल का बॉर्डर, अभी मैं नेपाल में खड़ा हूँ। तो इंडिया का बॉर्डर जो सिक्योरिटी फोर्स है उनका वीडियो मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि वो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है वो बॉर्डर का फ़ोटो लेने के लिए। ये बॉर्डर पे ही ये स्पॉट है जहाँ पे हमें चाय वगैरह मिल सकता है। गैरीबास है भारत नेपाल सीमेजवळ असलेली एक छोटी वस्ती आहे। इथेच गैरीबास चेकपोस्ट देखील आहे। इथे आपल्याला सिंगालेला नॅशनल पार्क मधून जाण्यासाठी एंट्री तिकीट घ्यावे लागते, जे प्रत्येकी 120 रुपये आहे। जाऊबरी से गैरीबास अप्रॉक्स 3 किलोमीटर है। तो 3 किलोमीटर के बाद हम इंडिया में, इंडिया नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में एंटर करते हैं, जहाँ पे नीचे फॉरेस्ट का जो 120 रुपीज़ पर हेड आपको परमिशन लेना पड़ता है। ये सिंगालेला नेशनल पार्क में हमने एंटर कर दिया है अपना एंट्री फी लेके। लेकिन अभी स्टीप चढ़ाई चालू होती है, जो अप्रॉक्स 3 किलोमीटर की चढ़ाई रहेगी। उसके बाद में हम काला पोखरी पहुंचेंगे। ये चढ़ाई अभी हम ये गाड़ी का रास्ता छोड़ के जंगल वाले रास्ते से जाएंगे। जंगल वाले रास्ते से ये पार्क में घुसने वाले हैं। खड़ी चढ़ाई है हमें। ऐसा जंगल में बीच बीच में ऐसा सीमेंट का स्टेप बनाया हुआ है,
जहाँ पे पूरा खड़ी चढ़ाई है वहाँ पे सीमेंट का स्टेप बनाया हुआ है, तो चढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है। ये से पूरा एक साइड कर जाओ, उसके बाद गाड़ी का रोक मिलेगा। हाँ। उसके बाद वहाँ पे एक रुको। हाँ। कया कट्टा मिल जाएगा। कया कट्टा वहाँ पे जाओ। कितना बड़ा गांव है वो? ये छोटा है, तीन ही घर है। वहाँ पे थोड़ा रोको। हाँ। मैं दो लोग बाकी के लोगों का आप लेके आते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू। जो ये जंगल वाली ट्रेल है वो रोड को पास करते करते जाती है, तो ये ऐसा बीच में जो गाड़ी का रास्ता है वो पास करके जंगल का रास्ता पकड़ना पड़ता है। अभी जो पीछे जो दो टावर दिख रहे हैं वो है जाऊबरी, वहाँ पे बाजू में जो व्यू पॉइंट भी है जाऊबरी व्यू पॉइंट, हमने उधर से कल रात का स्टे हमारा वहाँ था तो उधर से हमने सवेरे चलने के लिए स्टार्ट किया है। ये जो वैली है गैरीबास, वो है गैरीबास, वहाँ पे चेक पोस्ट है जो सिंगलीला नेशनल पार्क का एंट्री टिकट है वो हमने ले लिया है, और ये पहाड़ी उतर के हम ये पहाड़ी चढ़ के आए हैं। अभी ऑलमोस्ट 75% पहाड़ी हमने चढ़ा रहेगा और एक 25% पहाड़ी चढ़ के ऊपर जाना है तो हमारा रेस्टिंग पॉइंट आ जाएगा। वीडियो लेने के लिए मुझे थोड़ा सा स्लो चलना पड़ता है, रुकना पड़ता है, तो ये मेरे दोस्त है, ये मेरे को सपोर्ट करते हैं, पीछे रुकते हैं मेरे साथ में और वीडियो लेने के लिए सपोर्ट करते हैं, क्योंकि टाइम जाता है तो दोस्तों के बिना ये इतना चढ़ना मुश्किल है। बाकी के लोग तो भाग गए, चढ़ गए ऊपर, लेकिन ये है सच्चे दोस्त जो यहाँ पे यहाँ पे रुके खास मेरे लिए। ए दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसे दोस्त होने चाहिए। गैरीबास नंतर बऱ्यापैकी मोठी चढाई करून आपण कायाकट्टा ह्या छोट्याशा गावात पोहोचतो। इथं हाबरेस नेस नावाचे रेड पांडा टूरिझम सेंटर आहे जे खूपच छान आहे। हे हम लोग का गेस्ट डाइनिंग है होम स्टे का, और यहाँ पर यही देखिए आइए, और फोटो पांडा का फोटो यहाँ का है। अभी हमने
कायाकत्ता से फिर से वॉक स्टार्ट किया है काली पोखर की तरफ। ये चढ़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, बस चढ़ते ही जा रहे हैं ऊपर। अब ये शांगी भाई क्या बोलते हैं, देखते हैं। अभी वो पार है, उसका बाद किधर? वो लास्ट पार, वो लास्ट पार है, उसका बाद डाउन, उसके बाद डाउन। अभी कितना ऊपर है और? 20 मिनट। अच्छा 20 मिनट वॉक, चढ़ाई के बाद फिर डाउन है। कायाकत्ता नंतर येते ते गाव म्हणजे काली पोखरी। हे एक नेपाळमधील छोटंसं गाव आहे जे गैरीबास ते संदकपू ह्या ट्रेकच्या मध्यभागी आहे। नेपाळी भाषेत पोखरी ह्या शब्दाचा अर्थ तलाव आणि कालाचा अर्थ गडद। स्थानिक लोकांसाठी ह्या तलावाला अत्यंत धार्मिक महत्व आहे। अभी हम काला पोखरी पोहोच गए हैं। काला पोखरी का जो पॉन्ड है, जो ब्लैक कलर का वाटर बोला जाता है, ये है काला पोखरी का डैम। ह्या कालीपोखरी गावातच आमची दुपारच्या जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे। जेवणाचा मेनू हा गरमागरम डाळ खिचडी आहे। तो बहुत पहले से सब बोलते शिव जी का वो जो अभी हमारा काली पोखरी में लंच हो गया है और हम काली पोखरी से संदकफू के लिए निकले हैं। यहाँ से काली पोखरी से संदकफू 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 6 से 7 किलोमीटर, और बहुत स्टीफ है, वो टाइम भी ज़्यादा लगता है। क्लाइमेट बहुत ही मस्त है। एक्चुअली क्लाइमेट साफ होना चाहिए तो ही हम फिर सनसेट सनराइज देख सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट बहुत अच्छा है लेकिन सनराइज सनसेट देखने लायक नहीं है। पूरा ये देख सकते हैं, फॉग है पूरा। हमें एवरेस्ट देखना था, स्लीपिंग बुद्धा देखना था, कंचनजंगा देखना था, लेकिन ये क्लाइमेट की वजह से हम नहीं देख पा रहे हैं। एक काल पोखरी छोड़ने के बाद में चौरी चौक एक गांव आया है। ये भी छोटा सा ही गांव है। ये है चौरी चौक जो नेपाल में ही है। ये बीके बंजन है और वो एक रास्ता नेपाल वाला जाता है। हाँ जी, इंडिया वाला, ये इंडिया वाला उधर है। हाँ हाँ, लास्ट यही। अच्छा, लास्ट में हम बीके भंजन आ गए हैं और यहाँ से 3.5 किलोमीटर पे संदकफू है। तो 3.5 किलोमीटर के बाद में हमारा ट्रैक खत्म हो जाएगा। ये जो बीके
अभी हम संदकफू में पहुंच गए हैं। संदकफू का जो ये आल करके एक एरिया है जो जहाँ से बहुत अच्छा व्यू पॉइंट मिलता है, वहाँ पे हम पहुंच गए हैं। ये संदकफू की हाइट पे ही है, संदकफू से थोड़ा आगे जाना पड़ता है जहाँ से बहुत सारे व्यूज़ मिलते हैं। एक्चुअली आज थोड़ा सा क्लाउडी है, बहुत सारे क्लाउडी वेदर होने के कारण हमें व्यूज़ सनसेट नहीं मिलेगा और बाकी के व्यूज़ नहीं मिलेगा। तो ये है, हम पहुंच गए हैं आल 11,570 फीट 3,526 मीटर की हाइट पे संदकफू में हम अभी पहुंच गए हैं। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। Jai Jai Bhavani, Jai Shivaji, Hare